ఇది ఎట్లా చేస్తారు వాట్ ఆర్ ద ఫేమస్ కొండపల్లి వుడ్ అండ్ ఐటమ్ ఎందుకు చేస్తున్నారు హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు आज सिस्टर्स हम लोग को जाना है बोम्मलू कॉलोनी यानी कि टॉय कॉलोनी जहाँ पे लकड़ी के टॉयज बनते हैं और वो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में है मुझे बहुत मजा आएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टॉयज होंगे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा तो चलिए चलते हैं ये 400 साल पुरानी आर्ट है ऐसा कहा जाता है कि 16th सेंचुरी में ये आर्टिज्म राजस्थान से माइग्रेट करके यहाँ आ बसे और लकड़ी के खिलौने बनाने की आर्ट को बढ़ावा दिया ये टॉय मार्केट कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के कोंडापल्ली विलेज में है इन टॉयज को बनाने वाले आर्टिजम्स को नकार शालू कहा जाता है फ्रेंड्स अगर आप नया घर बनवाना चाहते हैं और चौकीदार रखना चाहते हैं यहाँ से आप ले सकते हैं जोड़ी मिल रही है पर ही कोई काम के ही नहीं रहेंगे फ्रेंड्स ये देखिए ये फ्लावर पॉट कितने अच्छे लग रहे हैं लकड़ी के और ये हैंड पंप भी है लकड़ी का है फिर इसे गोल्डन कलर में पेंट किया गया फ्रेंड्स ये देखिए ईगल ये कॉर्नर स्टैंड्स भी मिल जाएंगे आपको फ्रेंड्स मैं तो यहाँ पे आके पागल ही हो गई हूँ इतनी अच्छी अच्छी लकड़ी की चीजें ये अभी तक की बेस्ट शॉप ही देखिए पेन होल्डर कितना अच्छा सा है और भी डिजाइन है इसमें ओके और मम्मा भी अपनी शॉपिंग कर रही हैं कश्यप को भी बहुत अच्छा लग रहा है देखिए यहाँ पे आए फ्लावर वास ढेर सारे मिल जाएंगे साइकिल बाइक भी है फ्रेंड्स देखिए कितने बड़े बड़े फ्लावर पॉट हैं यहाँ पे इधर भी देखिए कितनी अच्छी अच्छी डिजाइन की हुई कश्यप आ क्या लाइयो कश्यप दिखो कश्यप फ्रेंड्स ये आपको दूर से देखने तो एक घर लग रहा होगा पर ये देखिए एक स्टोरेज बॉक्स है ऐसे देखिए ड्रॉर्स भी हैं फ्रेंड्स ये देखिए बत्तख और मुर्गी पूरी फैमिली है देखिए बत्तख की और ये मुर्गा भी है यहाँ पे भी स्टोरेज बॉक्सेस है ढेर सारे ये आप अगर आप अपना नया घर बनाए तो उसमें ऐसे ये हैंगिंग के लिए अच्छा लगे घर के पास मोस्ट वेलकम लिखिए मेहमान बहुत आएंगे फ्रेंड्स देखिए यहाँ स्टोरेज बॉक्स बड़े वाले भी हैं और यहाँ देखिए वुडन ट्रेस फ्रेंड्स हमने बोट लिए और ये वाला कलर वाला है इसके दो शेप से एक बड़ा एक छोटा ये वाला मैग्नेट्स ये छोटे छोटे क्यूट हैं फ्रेंड्स ये देखिए पेंसिल्स और पेंस हैं लकड़ी के यहाँ अंडे भी हैं और ये रेड और ब्लू कलर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था तो ये दो ले रहे हैं फ्रेंड्स ये देखिए कितनी अच्छी घड़ी लग रही है इसमें पत्थर लगाए मार्बल्स और ये जो ऊपर वाली घड़ी है इसमें देखिए 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के लगाए हैं मैंने तो ये कभी नहीं देखे ये सब पहले वाले जमाने के थे फ्रेंड्स ये देखिए टेलीफोन लकड़ी का हेलो सब लोग आजमी सिस्टर्स को सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स ये देखिए पंखा है इसमें लाइट भी और बहुत अच्छी हवा आ रही है इसको बस चार्ज करना होता है फ्रेंड्स ये देखिए लंबी बंदूक फ्रेंड्स हमने इतने सारा सामान लिया अब हो रही उसकी बिलिंग फ्रेंड्स हम लोग ने इतना सारा सामान लिया सिर्फ 2140 का था और ये बुलक कार्ड भी बाहर आप लोग अगर खरीदते या ऑनलाइन खरीदते तो
1000 से 1500 तक होता, पर यहाँ पे 500 का मिला है। गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग। योर नेम? रूपा। सिंस व्हेन हैव यू ओपन्ड दिस शॉप? 10 years। व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट्स दैट द गवर्नमेंट मेड? No, not supported in government. Do you make all these items yourself or you buy from somewhere else? All the buy from self. So what do you think is the future for this shop? Future? Same work. What are the famous Kondapalli wooden items? Famous item, dancing doll, bull of cotton, elephant ammari, next pallaki, rambat abshegam, anyone. Anyone are the Kondapalli brand. Thank you. Yeah. फ्रेंड्स, हम लोग अभी एक शॉप में आए हैं और यहाँ पे शायद डॉल बना रहे हैं और हम इनसे पूछने हैं क्या करते हैं। इनको हिंदी नहीं आती तो तेलुगु में पूछेंगे। मेरे एम चेस్తున్నారు ऐसा होता है बम जा। फ्रेंड्स, इधर की ऐसी लकड़ियाँ रहती है, फिर उनको ऐसे ऐसे पीसेस में करके फिर ऐसी डिजाइन देते। फ्रेंड देखिए, लकड़ी को कार्व करके ऐसा किया, फिर ये कलर करके। ఇది ఎట్లా చేస్తారు? ఈ ముందు నేను తెలపని కరంట అన్న చిన్నప్పుడు దారిపోయినాక ఒక 5 కేజీలు అయింది, అది 75% మైనస్ అయిపోయింది, లైట్ వెయిట్ అయింది। ఇది ఫాస్ట్లో వేస్ట్ కర్ర అన్నమాట, ఇది ఇది పొయ్యలేసాం అనుకోండి పొగ వచ్చేసింది బాగా, అది అంటే పుల్లలకు కూడా వంట చేతి కూడా పనిచేయదు। సో ఇది ఇది కూడా అంతే, ఇల్లికాయ పౌడర్ కూడా వేస్ట్, ఇది వేస్ట్ నుంచి బొమ్మ తయారు చేస్తాం। ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇమ్లికా పేస్ట్, ఇసీసే ఇది జాయింట్ కర్తే। फ्रेंड्स, वो देखिए, पहले रफ लकड़ी होती है जो बहुत नर्म होती है, इसे कोंडापल्ली हिल से लाते हैं, फिर उन्हें शेप करते हैं और अगर वो कच्ची हुई तो उन्हें ऐसे आग पे सेकते हैं। इन्हें इमली के बीज का पाउडर और सौंफ पाउडर से जोड़ा जाता है। ये फिनिशिंग टूल है, ये भावदारू। फ्रेंड्स, मैंने ये दो की रिंग ली है, आपको पता है मुझे की चेन्स कितनी पसंद है, देख कितनी प्यारी है। और ये बैलगाड़ी भी ले रहे हैं हम लोग, ये 500 की है और ये की रिंग 25-25। ये डिजाइन ఎందుక చేస్తున్నారు? ఎందు ఈ ఐడియా ఉందా? ఆ మళ్ళీ ఇది వుడ్ పైన కార్ చేస్తారు, మెజర్మెంట్ చూస్తాం జా। फ्रेंड्स, सोचिए, ऐसी लकड़ियाँ होती है, फिर उनकी डिज़ाइन बनाते हैं, फिर वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वैसा।
फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे वीडियो ख़त्म होता है। आप लोग को हमारे पूरा टॉय कॉलोनी का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमने आपको रफ वुड से लेकर शॉपिंग तक का पूरा प्रोसेस बताया है, टॉयस कैसे बनते हैं वुडन। तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा और हमारे वीडियो को शेयर भी करिएगा। अब हम मिलेंगे आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।